एशिया का तीसरे नंबर का बीच है जो सबसे सबसे ब्यूटीफुल है। तो चलो यार देखते हैं ऐसा क्या खूबसूरत है ये बीच। मस्त है यार, मतलब नेचर में रहने का अलग ही मजा है। भाई देखो कितनी सारी जेली फिश है, बहुत सारी, ये देखो लाइन से, मतलब बहुत सारी पड़ी हुई है इधर। फुल मैन वर्सेस वाइल्ड वाली फील आ रखी है मेरे को तो इस टाइम। ये देखो भाई साहब, बीच हो तो ऐसा हो। Let's go. So hello guys, good morning and welcome back to another vlog. अभी हम सब लोग निकल गए हैं कटिंग करवाने। कटिंग मैं और भैया करवाएंगे क्योंकि हमने इतने दिन से कटिंग नहीं करवाई है, शेव भी नहीं करवाया। थोड़ा सा सही लगना भी जरूरी है। तो अभी हम यहाँ पे हैवलॉक आइलैंड में ढूंढते हैं कोई सैलून। सुबह सुबह का रिजोर्ट का नजारा भैया, इसकी एक्टिवा की और डीओ की ड्रैग रेस करे अंडमान में। चोट लगवा देगा भाई। हेलमेट है ना अपने पास? हेलमेट लगा रखा है। अगर भरोसा नहीं है तो भाई देख लो, मैंने तो लगा रखा है क्योंकि अभी हम जस्ट निकलने के लिए तैयार है। तो ड्रैग रेस कर रहे हो? डन। तो गाइस कमेंट करके बताना कि एक्टिवा की और डीओ की ड्रैग रेस देखना चाहते हो या नहीं। तो हम यहाँ पे थोड़ा एरिया ढूंढ के निकालेंगे जहाँ पे हम ड्रैग रेस कर सके और फिर ड्रैग रेस करेंगे। बताओ यार, हेलमेट लगा के रिजोर्ट में घूम रहा हूँ क्योंकि यार मैं अपनी स्कूटी की चाबी रूम में ही भूल गया। एक घंटे से तैयार बैठा था यहाँ पे, सबको बोल रहा था चलो 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 चलो, लेकिन चाबी भूल गया। तो सारे कह रहे देखा अब तू लेट करवा रहा है। मैं कहा वाह भाई, सारा भांडा मेरे पे आके फोड़ दो। कहाँ है चाबी? यहाँ भी नहीं है। कहाँ है? ये रही यार। ये कुछ चीज़ें ना ऐसी होती है, छोटी छोटी होती है लेकिन बहुत कीमती होती है। अब कीमती इसलिए यार क्योंकि इसके बिना हम कहीं जा नहीं सकते अंडमान में। अच्छा चलो एक जुगाड़ और दिखाता हूँ। देखो चाबी ना इसमें लगी होती है, तो एक कार्ड निकालते हैं ना तो सब लाइट बंद हो जाती है। अब एक कार्ड जैसे ही लगाएंगे तो लाइट आ जाती है। तो मैंने चाबी मैंने ना इसकी चाबी अलग से निकाल ली क्योंकि वापस रूम में आऊँगा तो एसी वैसी फुल चिल्ड मिलेगा अंदर रूम। थोड़ा सा चाबी लाने में लेट क्या हुआ, ये देखो यहाँ फोटोग्राफी सेशन चालू। अच्छा आज का ब्रीफ हेलमेट चेक किया? नहीं हमारे में नहीं था। अच्छा इसमें डिग्गी में इनका एक हेलमेट नहीं मिल रहा यार, टोटल चार हेलमेट थे ना। एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं मेरी डिग्गी में तो नहीं है। ये लो मिल गया, चटकाने के लिए जाने की सोच रहा था मैं तो इसको। मेरी डिग्गी में था। बंद हो जा अबे। होगी बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अच्छा मुझे आज का ब्रीफ कर दो, आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे ज्यादा बाल कटवाएंगे, उसके बाद राधानगर बीच पेट्रोल डलवाएंगे, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं। तो पहले कटिंग फिर पेट्रोल और उसके बाद देखते हैं व्हाट टू डू। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. A sign. So guys, finally cutting हो गई है पूरी। ये ले लो, ये ले देख। अरे भैया दे ध्यान रख। अरे वो फेंक दिया, खुद ही फेंक दिया। देख रहे हो, मैंने देख रहे हो, देख रहे हो। अब एक काम करेंगे ना, सारे बाल बाल में तो ये गए अंकल, पूल में जाके कूद जाएंगे। सही बात है, सही बात है ना। पूल में जाके कूद जाएंगे, पूल में बाल बाल कर देंगे, हमें क्या मतलब। पूल वाला अपना साफ करते रहेंगे। आज सिब्बू गिरी करा रही है मैन सैलून में। देखो आदमियों के सैलून में, दिखाओ दिखाओ। मैं रिव्यू भी दे सकती हूँ यार, मैंने बताया भी कि लड़कियों के जो सैलून होते हैं ना उसमें बस पैसे ज्यादा लेते हैं और काम कुछ नहीं करते। और ये जो लड़कों का सैलून होता है ना इसमें भाई इतने सस्ते में और इतनी सही सर्विस मिलती है। चलो आज करवा के देखते हैं। चलो कटिंग वगैरह मसाज वगैरह सब हो गई है, अभी वापस चलते हैं रिजॉर्ट या राधानगर बीच चले भाई। अभी तो बच की ये देखो छतरी, ना खुद के सर के ऊपर ना उनके सर के ऊपर, बीच में नौकर चल रहा है पीछे। नौकर नौकर की घड़ी जरा सी भी लगी ना धूप देख लेना फिर। नौकर की घड़ी आई वो यार, रील बनेगी अच्छी थी, पूरी रील बनेगी। हाँ बढ़िया यार बढ़िया है। चलो रिजॉर्ट चलते हैं। क्या कर रहा भाई तू? वो रखी है पूरी जल रही है, ठंडा पानी चिल्ड, चिल्ड पानी डाल के थोड़ा सा इसको नॉर्मल कर देते हैं ना। लो भाई अब बैठने में थोड़ा सा ही भी लगेगा। चलो गाइस चलते हैं रिजॉर्ट और अभी पूल में डुबकी मारते हैं थोड़ी। सो गाइस ये अगला दिन है क्योंकि कल तो हम कुछ खास कर नहीं पाए थे, अपने रिजॉर्ट में ही मौज मस्ती करी। तो अभी हम लोग सब रेडी हैं और निकल रहे हैं राधानगर बीच के लिए क्योंकि वहीं पेट्रोल पंप है। सबसे पहले तो तेल डलवाना है स्कूटी के अंदर। भाई क्या है ना, पूरे हैवलॉक आइलैंड पे सिर्फ दो ही पेट्रोल पंप है और एक पेट्रोल पंप जो था, और जो एक पेट्रोल पंप था ना उस पे तेल ख़त्म था। हम गए थे कल क्या परसों भी गए थे
पर नहीं मिला उधर तेल, तो आज हम राधानगर बीच के पास एक जो पेट्रोल पंप है उधर जा रहे हैं। हमने बस जैसे तैसे जहाँ से स्कूटी खरीदी थी ना उसी बंदे से ब्लैक में तेल लेके थोड़ा डाला इसमें स्कूटी में कि चलने लायक तो इसमें हो जाए, लेकिन अभी टंकी फुल कराना बहुत जरूरी है। Wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. Finally हम लोग पहुंच गए हैं, पता है कहाँ? इतने सुंदर पेट्रोल पंप पे, मतलब इतने अच्छे पेट्रोल पंप पे आए हैं यार। मतलब देख रहे हो पीछे कितना अच्छा सीनेरियो है, इतनी अच्छी सीनरी है। अभी इस दोनों स्कूटीज में डल रहा है पेट्रोल। सो गाइज अभी हम लोग हैं राधानगर बीच पे, जो है इंडियाज मोस्ट ब्यूटीफुल नंबर वन बीच और एशियाज मोस्ट ब्यूटीफुल नंबर थ्री बीच। एशिया का तीसरे नंबर का बीच है जो सबसे सबसे ब्यूटीफुल है। तो चलो यार देखते हैं ऐसा क्या खूबसूरत है ये बीच। इतने सारे बीच पे चले गए, लेकिन ये मतलब ये तीन नंबर पे आता पूरे एशिया में। हाँ, ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच, मतलब पता नहीं वहाँ लिखा है। हाँ उधर देखते भाई, थोड़ा थोड़ा ना बीच। हाँ मैं थोड़ा आपको ये बोर्ड वगैरह पढ़ा देता हूँ। वेलकम टू राधानगर बीच, अ ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच। ये कोई एसोसिएशन होगी है ना, ब्लू फ्लैग, इसी ने नंबर थ्री दे रखा होगा इसे। भाई ऐसा क्या है इसमें, देखते हैं यार। ये ऐसा सा है थोड़ा सा, बस सामने ही हम पहुँच गए हैं बीच के। इस साइड है अंडमान एंड निकोबार एम्पोरियम सागरिका। यू आर ऑन द एशियाज नंबर थर्ड बीच। एक मस्त चीज़ है यहाँ पे, अगर समुंदर में नहाने के बाद फ्रेश वाटर का शॉवर नहीं चलता है, बंद पड़ा है। वो सामने है ना, वहाँ चलते होंगे ना, वेर बने तो हुए इतने सारे शॉवर रूम। ये लाइट्स हैं, ये लाइट्स है भैया, चल के देख लो बेशक। आ जाओ, ये लाइट्स हैं सब, ये शावर थोड़ी हैं, शावर अंदर है वो जो अंदर टॉयलेट बने हुए हैं उधर। सो गाइस वी आर ऑन द वे टू एशियाज मोस्ट ब्यूटीफुल नंबर तीन वाला बीच। नंबर तीन तो पता लग गया, लेकिन ये नहीं पता लगा नंबर एक और नंबर दो पे कौन है, कौन सा बीच है मतलब। ये देखो यहाँ पे बैठने का भी थोड़ा जुगाड़ है, डस्टबिन भी है। सो गाइस चलो बीच पे चलते हैं। ये है इंडिया का सबसे खूबसूरत बीच। मस्त है क्या, सुंदर है, सुंदर है ना बीच। लंबा है, पता क्यों इसे सुंदर बोला, देख कितना लंबा है। हाँ लो टाइड्स वाला, ये देख कितना लंबा है। है तो भाई मस्त, व्यू भी एक नंबर है। चलो थोड़ा पानी में चला जाए। ये देखो भाई जेली फिश, इनको कभी टच नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पॉइजनस होती हैं। भाई बहुत लंबा बीच है, और इस बीच की एक और खासियत कि इस बीच पे ना एक भी पत्थर नहीं मिलेगा आपको, एक भी पत्थर। ये जो आपको थोड़ा बहुत अगर दिख भी रहा है ना, ये सब शेल्स हैं जो समुंदर से आते हैं। पानी देखो बिल्कुल ऐसा हरा और नीला पानी है भाई, सच में बिल्कुल मस्त है। जो नंबर वन और नंबर टू है वो कैसे होंगे फिर, अगर ये इतना खूबसूरत है तो। भाई साहब स्वाद, भाई देखो कितनी सारी जेली फिश है, बहुत सारी। ये देखो लाइन से, मतलब बहुत सारी पड़ी हुई है इधर। वो तैरती हुई नहीं दिखा पाया मैं, उस टाइम में फोटो खींच रहा था। हमने अभी तैरती हुई देखी, बहुत स्पीड से जा रही थी ऐसे बिल्कुल। राधानगर बीच पे थोड़ा सा साइड में आगे मेरे पीछे भाई बहुत घना जंगल सा है। बस आवाज सुनो यहाँ पे, जंगल की आवाज और इस साइड समुंदर की आवाज। और ये रास्ता यहाँ से डेढ़ घंटा एक घंटा लगेगा, आप पैदल चल के जा सकते हो एलिफेंटा बीच तक। मस्त है यार, मतलब नेचर में रहने का अलग ही मजा है। देखो मैं शांत हूँ, बस आवाज सुनना। है
है ना जबरदस्त। जंगल से थोड़ा सा इधर एक हल्का सा रास्ता दे रखा है, वापस बीच पे लेके जाएगा ये रास्ता आपको। फुल मैन वर्सेस वाइल्ड वाली फील आ रखी है मेरे को तो इस टाइम। ये देखो भाई साहब, बीच हो तो ऐसा हो, वरना तो फिर ना ही हो। गाइस राधानगर बीच फेमस है अपने सनसेट के लिए, तो भी आप देख सकते हो कि इधर सनसेट होने लग रहा है और हम लोगों ने 3 घंटा वेट किया है सनसेट देखने के लिए, तो आप भी देख लो भाई सनसेट। क्या तो रख देगी ना, मैं देख लूंगा। सो गाइस बस सनसेट पूरा होने ही वाला है, इसके बाद हम जाएंगे अपने रिजॉर्ट। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. So guys, वापस होटल रूम आ गए हैं, सॉरी रिजॉर्ट रूम आ गए हैं। भाई बहुत ब्यूटीफुल बीच देखा, बहुत ब्यूटीफुल सनसेट देखा, उसके बाद फिर बहुत थक गए थे तो हम सब ने बॉडी मसाज कराई, सर में भी तेल लगवाया, हेड मसाज, शोल्डर मसाज, फुट मसाज सब करवाया। और अभी टाइम है सोने का, तो अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाकी फिर कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। बाय बाय गाइज, लव यू एंड टेक केयर।